gone is gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Morning. तो टाइम क्या हो चुका है? टाइम हो चुका है 10:15 और आज पतिदेव ने छुट्टी ले रखी है तो आज इन्होंने कटिंग वगैरह भी करवा लेनी है. कटिंग करवाओगे आज? छुट्टी नहीं ले रखी? मेरे को क्यों बोल रहे थे? छुट्टी नहीं है, सॉरी. तो लेकिन आए लेट है तो थोड़ा लेट ही सोएंगे. और इन्होंने खाना खा लिया और अभी हम पी रहे हैं मॉर्निंग की गर्मा गर्म टी. तो मैंने आज सुबह भी नहीं पी थी, थोड़ा सा दूध गर्म किया था और उसमें थोड़ा सा जो गुड़ होता है वो क्रश करके डाला, इलायची डाला और दरुन ने भी पी लिया था. और अभी लगा ली है मशीन तो कपड़े वगैरह वो सो जाएंगे. आज ऊपर जाएंगे, आप भी जाओगे? ठंड बहुत है, सच्ची में बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ही ज़्यादा. आज मतलब धुंध वगैरह आनी शुरू हो गई और सबसे ज़्यादा ठंडी वाला दिन आज का ही है. और अभी देखते हैं कपड़े वगैरह कैसे सूखते हैं कैसे नहीं. तो ध्रुव के वैसे कपड़े मैंने कल हाथ से ही वॉश करके सुखाए थे, लेकिन ये वाला गुलाब लिया है ये रजाई में और ये इस तरह से लगा दिया. और ये वाला था पहले, ये था रजाई का ग्लाब्स. तो इस बार मैंने ना इसको इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, सजा दिया. मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला. तो ये देखिए, ध्रुव नहा चुका है और ध्रुव जा रहा है पहले ऊपर छत पे, है ना ध्रुव? हाँ, चॉकलेट लेके जा रहे हो? बेबी शूज बना के, सॉक्स बना के जल्दी ले जाओ. मारियो नहा के आज पापा के साथ जाओ. आज पापा सोए नहीं, देखते हैं कब सोएंगे. नहा दो के पापा भी रेडी हो गए, ठीक है. ध्रुव आज आपके लिए पापा क्या लाए सुबह सुबह? चॉकलेट. चॉकलेट कैसी थी? अच्छी वाली. मम्मी के लिए नहीं लाए ना? लाए कब लाए? अभी लाए थे. लाए थे, ठीक. हाँ. चैनल बना दो, चैनल बना दो इनका. हाँ, मैंने बनाया तो नहीं यार कभी भी. तीन तो बना रहे. मैंने तो नहीं बनाया, आपने ही बनाए हैं क्या? इनको इनका चैनल बनवाना है इन्होंने. बनी बेटा, किसी का क्यों चैनल बिगाड़ा है? लड्डू सब्जी तो फिर वही है ना एक बार. हाँ जी, तो ये है इवनिंग टाइम और छत से आने के बाद हमने बनाए थे राइस, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था थोड़ा सा. और ये देखिए, ये मैं बना लेती हूँ अभी फटाफट से. और ये देखिए, बेसन ले लिया. बेसन में थोड़ा सा मैंने नमक डाला, थोड़ा सा चीनी डाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये डाल दिया ऑयल. और उसके बाद हल्दी, थोड़ी सी मतलब हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट डाल सकती हूँ. बाकी मैंने इसमें ना अदरक की डाली है, लहसुन वगैरह नहीं डाला. तो इनको अच्छे से फेंट लेते हैं और ऊपर से मैंने दही डाल दिया. इनको अच्छे से फेंट के 10 मिनट के लिए रख देते हैं. ऊपर से नींबू डाल देते हैं और बीज मैंने निकाल लिया. तो ऊपर से नींबू वगैरह डाल के 10 मिनट को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ताकि बेसन फूल जाए हमारा अच्छे से. तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए. देखिए, तो यहाँ पर अच्छे से फूल चुका है. और अभी हम इसको एक डिब्बे के अंदर डालेंगे. डिब्बे में डालने से पहले इसको हम, ये देखिए मैंने उसमें पहले ऑयल लगा दिया था और ऊपर से हम इसके अंदर इनो डाल देते हैं. और यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है टेम्परेली सा. तो यहाँ पे इस तरह से हमने कवर करके रख दिया है. कम से कम 10 से 15 मिनट बाद फिर चेक करते हैं कैसे बने हैं कैसे नहीं. तो अभी टाइम 10 मिनट बाद ही चेक करूँगी. बार बार मेरी आदत पता है क्या है, कई बार चढ़ा देती हूँ ना, बीच में चेक करती रहती हूँ. बट आज मैं नहीं चेक करूँगी, 10 मिनट बाद चेक करूँगी. 50 मिनट पे मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 से 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है, अच्छे से हो गया. और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फूला था, बट थोड़ा सा टेस्ट इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी वगैरह कम ऐड किया ना, इसकी वजह थोड़ा सा रह गया. इसमें थोड़ा सा चीनी डाल लेना,
ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए, और इस साइड तड़का तैयार हो रहा है इसका, तो यहाँ पे बन रही है सब्जी आलू वाली। और प्याज अच्छे से फ्राई हो रखे है, इसमें थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालूँगी, बिल्कुल हल्की सी ही मैंने सेर की है, क्योंकि उस टाइम बाद में मैंने नहीं दिखाया ज़्यादा कुछ, बिल्कुल सिंपल सी। और ये देखिए आलू अच्छे से बॉईल कर लिए, बिल्कुल अच्छे से बॉईल के, बहुत ज़्यादा बॉईल, हल्के से नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉईल है, बस हल्की सी तरी को पकाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। ये बन गई है, आटा भी लग गया। और अभी मैं अभी मुझे बनानी है रोटी यानी चपाती। और पहले पी लेते हैं गर्म पानी एक गिलास करके। और जो उस टाइम मैंने जो ढोकला बनाया था ना, उस टाइम एंड मोमेंट पर तो मैंने आप लोगों को शेयर ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, मतलब अच्छे बने थे, जैसे मतलब मैंने एक दो बार पहले बनाए थे ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। एक दो बार पहले बनाए थे ना तो वो बीच से कच्चा रह जाता था, इस बार थोड़े अच्छे। मैं मटर डाल के बनाने वाली थी, बट अभी पता है क्या हुआ, मटर आलू इतने ज़्यादा बॉयल हो गए। पहले दुर्गे चाचू बोल रहे थे कि मेरे को ऐसे ही बॉईल किए आलू खाने, बट बाद में उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने मटर ऐड नहीं की उसमें। मैंने अकेले आलू की सब्जी बनाई है और ग्रेवी डाल, ग्रेवी वाली अच्छी सी। और तो आटा इसमें लगा के पैक, ये देखिए सब्जी ग्रेवी बोल करके आलू बना, खुशबू अच्छी आई है सब्जी की। और इत्तू से चावल भी बचे हुए हैं, ये पुलाव देखते हैं। आटा लग गया, एक बार किचन साफ हो गया, थोड़े से वो कर लेते हैं पानी पी के, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो ध्रुव शोर मत करो, गुड मॉर्निंग, तो आप सब कैसे। और ये नेक्स्ट डे है, तो कल मैं रात को जो ब्लॉग मतलब एंड ही नहीं कर पाई थी उस ब्लॉग का, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज सुबह सुबह इससे स्टार्ट करते हैं और कुछ आज का, और सुबह सुबह उठ के एक गिलास पानी पी लेते हैं। और ध्रुव भी उठ गया एंड अभी मैं चाय बनाने वाली हूँ, अभी भी घर पे ही थी रात, इनको लीव लेनी पड़ गई क्योंकि उनके हाँ यहाँ पे दर्द था, इसकी वजह से दर्द देखिए वो सोए हुए। तो अभी जस्ट मैंने एक ही लाइट ऑन करके रखी है, वो वाली जो मेन लाइट है वो बंद करके रखी है, अभी तक वो नहीं जलाई। और आपसे बताइए सुबह सुबह क्या बातें करें, है ना। और एक और चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ। कल शाम को ध्रुव लेके आया था, क्या बोलते हैं, हाँ सिंपल सा 500 रुपये का एक पैकेट था, उसके ऊपर ये इस तरह की छोटी छोटी बिल्कुल कंच की तरह छोटी छोटी गोलियाँ थी। तो मैंने सोचा छोटे बच्चों के खाने की चीज़ के ऊपर ये क्यों लगा रखी है, और मुझे नहीं पता था। फिर ध्रुव के चाचू बोले ये ना भाभी वो है जो पानी में डालते हैं ना तो फूल जाएगी बोल बन पूरी अच्छे से। तो बाद में देखा, देखो पूरी रात मैंने ना इसके अंदर डाल के रखी है, और एक 5 रुपये के पैकेट के ऊपर इतनी सारी है। अभी मेरा दिल कर रहा है मैं और भी लेके आऊँगी वो पैकेट, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है। अरे इसका पानी चेंज करेंगे हम आज थोड़ा सा और। तो आप लोगों ने कभी इस तरह की गोलियाँ मतलब फुलाई है पानी में डाल के? मैंने वैसे बहुत ज़्यादा फुलाई है, बट सजाने के लिए नहीं, ऐसे ही देखने के लिए कि कैसे फूलती है कैसे नहीं। घर पे कभी ऐसे रखा नहीं किसी में डाल के सजा के, बट मेरी सिस्टर है उनके बच्चे ऐसे करते हैं इस तरह से। तो चलिए गाइज वॉक भी हो गई है, पानी वगैरह भी पी लिया है, तो अभी करते हैं झाड़ू वाला काम। और आज मैं सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी लग गई हूँ क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रखा था रात को, मैंने ना जैसे खाने वगैरह बनाए उसके बाद झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था। अक्सर क्या होता है कि मैं लगा के सो जाती हूँ, बट रात अभी घर पर ही थी ना तो मैंने नहीं लगाया, और अभी वो सोए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से लगा देती हूँ, ये वाला काम कर देती हूँ। तो गाइज आप लोग बताइएगा, आप लोग सुबह सुबह मतलब किस काम से अपने शुरुआत करते हो? जैसे कि लगभग तो मुझे लगता है झाड़ू से ही होता है सभी का काम स्टार्ट, बट किसी किसी कुछ और भी होते हैं काम, वो उनसे भी स्टार्ट करते होंगे। और ये देखिए उठ गए हैं अभी।
And I know love is like the phases of the moon. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's the love life. That's the love life. And I know तो अभी उठाया ध्रुव और उसके लिए बना रही हूँ दूध. तो उसके लिए सिंपल सा दूध बनाऊंगी और फिर अपने लिए बनाऊंगी दूध ही. और फिर मैं रात की कुछ मतलब रोटियां बची हुई तो वो ही गर्म करके खा रही हूँ आज. और नहीं बना रही, सब्जी बनाई हुई थी. आलू क्या करा ध्रुव है, आलू और आलू की सिंपल आलू की ग्रेवी वाली जो मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ रात शेयर भी की थी. तो अभी उसके लिए बना दिया दूध, मेरे लिए भी बना लेती हूँ. और मैं चीनी की जगह ना थोड़ा सा गुड़ डाल लेती हूँ जिससे अच्छा मीठा टेस्ट भी आ जाए और इलायची का भी और अच्छा अच्छा टेस्ट आ जाए. और उसके बाद फिर मैं करूँगी चाय वगैरह पी के अपना वीडियो एडिट. और झाड़ू वगैरह आज मैंने पहले इसलिए निकाल दिया क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना रूम गंदा आता, जरूरी नहीं होता. उधर यहाँ बैठा है. आपको क्या खाना बाबू? दूध बिस्किट. ये देखिए कोई ना खेल रहा आ जाएगा. यहाँ पे ध्रुव का ये दूध हो गया गर्म और इसको मैं बिस्किट और भी देती हूँ. और ये देखिए दालचीनी मैंने ली थी बट इतनी ज़्यादा यूज नहीं करी, इसका पाउडर बनाएंगे फिर यूज करेंगे इसको. और ये क्रीम वाले हैं ध्रुव, देखो क्रीम वाले हैं. दूध में डिप करके खाना बड़ा टेस्टी लगेगा. ठीक है. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's the love life. That's the love life. तो गाइज कल किसी ने पूछा था मेरे को कि दीदी ये इस नाइट सूट का प्राइस क्या है, तो मैं बता देती हूँ 400 है. और बहुत ही अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है. और कल मैंने डाल ही लिया था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी, तो फिर मैंने सोचा अभी डालने का फ़ायदा है, ऐसे रखे रखे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है. और अभी थोड़े दिन बाद शायद मैं घर भी चले जाऊँ यानी कि अपने ससुराल, तो उसके बाद तो मैं ये डाल ही नहीं पाऊँगी वहाँ पर. तो थोड़े दिन बाद में हो रही है शादी की तैयारियाँ शुरू, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ना सिंपल सूट सलवार साड़ी में ही नज़र आऊँगी. यहाँ पे जैसे लोअर टी शर्ट जीन्स वगैरह सब कुछ डाल लेती हूँ लेकिन वहाँ पे नहीं डालती. थोड़ा सा फैमिली में मतलब ऐसे रहते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता. जैसे जहाँ पे पसंद है उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए. तो वहाँ पर मम्मी होती है, सास होती मतलब ससुर होते हैं, तो उनके आगे मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती. और ये आलू की सब्ज़ी जो रात वाली तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया यहाँ पर तो वही लूँगी अभी. ध्रुव बैठा अपने आराम से खा रहा है, इंजॉय कर रहा है. उसके लिए मैंने ना चॉकलेट वाले और रोटी मेरी जल गई थी क्योंकि मैं एकदम प्लेट लाने लग गई थी ना, मेरे को याद ही नहीं रहा, भूल ही गई थी. तो गाइज आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ. और शादी आ रही है, किसकी शादी आ रही है तो वो मुझे आप गैस करके बता सकते हो किसकी है. बट मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को सारी मतलब अच्छे से नहीं बता सकती कि मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी या शेयर करूँगी क्योंकि फैमिली में वैसे बहुत ज़्यादा
पसंद नहीं करते, तो मेरी फैमिली मेरे साथ मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ पूरी प्रॉपर तरीके से शायद वीडियो ना शेयर कर पाऊँ, लेकिन जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी। चलो हम खाना खाते हैं। कोई नहीं, दूध नहीं पीते फिर, अभी दूध तो मेरे को पता ही है गर्म। रुक गेट बंद कर दिया। तो गाइस चलिए आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, जो कि रात एंड नहीं कर पाई थी, और आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, और ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा।